और इसी बीच एक बड़ी खबर है, महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 बूथ टोल फ्री कर दिए गए हैं। हल्के वाहनों के लिए 5 बूथ टोल फ्री किए गए हैं। आज रात 12 बजे से टोल टैक्स यहां पर नहीं लगाया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक बड़ी राहत के तौर पर ये आम जनता के लिए जरूर फैसला देखा जा रहा है। हाल ही में जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें ये फैसला लिया गया है और जो हल्के वाहन है उनके लिए 5 बूथ टोल फ्री कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है और आपको ये भी अपडेट कर दें कि ये जो फैसला लिया गया है इसे आज से ही लागू कर दिया जाएगा। आज रात 12 बजे से इसे लागू कर दिया जाएगा, ये अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। हल्के वाहनों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, ये आम जनता से जुड़ी हुई बड़ी राहत की खबर है। जो हल्के वाहन है उनके लिए यहाँ पर 5 बूथ टोल फ्री कर दिए गए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें ये अहम फैसला लिया गया, जो मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 बूथ है वहां पर जो हल्के वाहन हैं उनके लिए ये टोल को फ्री कर दिया गया है। 5 बूथ बताए जा रहे हैं जो टोल फ्री किए गए हैं और आज रात 12 बजे से ही यहाँ पर टोल टैक्स नहीं देना होगा। तो आम जनता के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है, एक बड़ा फैसला ये लिया गया है महाराष्ट्र कैबिनेट की तरफ से, जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि हल्के वाहनों के लिए 5 बूथ को टोल फ्री कर दिया गया है। सत्य प्रकाश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश, एक बड़ी राहत की खबर, हल्के वाहनों को अब इन 5 टोल बूथ पर टोल टैक्स नहीं देना होगा। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से बड़ी सौगात मुंबई को और महाराष्ट्र की जनता को दिया है, जिसमें सबसे बड़ी बात कि टोल को लेकर जो लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे थे, टोल को लेकर जो अलग पार्टियां जो मनसे हो और फिर कांग्रेस हो लगातार इस पर सवाल खड़ा कर रही थी कि टोल टैक्स बंद करने की केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा भी की गई थी, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने इस पर अमल किया है, जिसमें मुलुंड माहिम और नवी मुंबई और दहिसर जो बड़े टोल है उनके सहित 5 टोल टैक्स को जो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। और ऐसे में मुंबई करों को बहुत राहत मिलने वाली है, क्योंकि जो मनसे की तरफ से बार बार टोल नाके को लेकर आंदोलन किया गया, आवाज उठाई गई, मनसे ने बार बार कहा कि सरकार अपने निजी फायदे के लिए टोल चालू कर रही है और निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए टोल को जारी रखा है, जबकि खुद जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इस पर जो है इसे बंद करने का आह्वान किया था, लेकिन अब जो है पूरी तरह से सरकार ने एक बड़ी सौगात के तौर पर दिया है। जिसमें सबसे अहम बात की महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के नजरिए से भी देखा जाए तो सरकार ने लोगों को राहत देने का काम किया है, जिसका लाभ जो है मुंबई की जनता को मिलेगा, महाराष्ट्र। सत्यप्रकाश, आज रात से ये फैसला लागू हो रहा है, आज रात से ही इसे लागू कर दिया जाएगा सभी इन टोल बूथ पर? बिल्कुल, आज रात 12 बजे से यह लागू कर दिया जाएगा और उसके बाद यानी कि कल से जब कोई मुंबई में प्रवेश करेगा या फिर महाराष्ट्र उन जिलों में प्रवेश करेगा जहां पर टोल लगते हैं उनके लिए बड़ी राहत होने वाली है, क्योंकि 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक टैक्स टोल जो है हल्के वाहनों के लिए लगते थे, उसके बाद भारी वाहनों के लिए 400 रुपए तक टोल लग जाते थे, तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत है। और खासकर जो 1 से 2 बार जो है अलग जिले में जाते थे उन्हें 2 बार टैक्स देना होता था, लेकिन अब बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। और विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने जाहिर तौर पर बड़े राहत का काम लोगों के लिए किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यह जानकारी साझा करने के लिए। तो ये एक बड़ी राहत की खबर, और अब महाराष्ट्र में चूंकि चुनाव भी होने जा रहे हैं तो उससे पहले जनता को बड़ी राहत दी गई है।